ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमात्म प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। ये केवल थोड़ा समय हमें मिलता है जिसे हम भगवान के साथ ईश्वरीय मौजों में व्यतीत कर सकते हैं। अपने को चेक करें, क्या ऐसे सुंदर समय को हम वैसे ही बिता रहे हैं जैसे इस समय का महत्व है और जैसे हमें बिताना चाहिए, या हमारा ये समय उलझनों में, व्यर्थ में, चिंताओं में, परेशानियों में, टेंशन में बीत रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लें हम सच्चे ज्ञानी नहीं हैं, हमें योग के अनुभव नहीं हैं और हमारा संगम युग खाली चला जाएगा। जिनकी चिंताएं कर रहे हैं वो और चिंता देकर आपसे अलग हो जाएंगे। जिनके लिए आप समय लगा रहे हैं वो आपको साथ नहीं देंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान भाग्य बांटने आया है, अब उसके प्यार में मग्न हो जाएं, उससे मीठी मीठी बातें करें, उसने जो कुछ हमें दिया है उन्हें याद करें, जो वरदान उससे प्राप्त हैं, जो शक्तियाँ उनसे प्राप्त हुई हैं, उनके लिए उनका शुक्रिया करें। हम प्रभु प्यार में मगन रहें। इस तरह सोचें, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा आप हमारे इतने समीप आ जाओगे। हम तो केवल आपके दर्शनों के प्यासे थे, लेकिन जब आप हमारे पास आए तो आप तो हमारे ही निकले और सदा हमारे साथ रहने लगे। वाह, कितना बड़ा उपकार किया है आपने हम पर, हमारी सभी समस्याएं समाप्त कर दी आपने। हम आप पर कुर्बान हैं बाबा, आपने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, आपने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। हम तो अंधकार में भटक रहे थे, आप ज्ञान का प्रकाश लेकर आए और हमारे लिए स्वर्ग की सौगात भी लेकर आए। वाह, हमसे तो आपसे कुछ मांगना भी नहीं आता था, छोटी छोटी चीजें मांगते थे, लेकिन आप तो स्वयं भी हमारे हो गए और सारा स्वर्ग लोक 2500 साल का हमारे हवाले करने लगे। वाह प्यारे बाबा, वाह। तो बाबा ने जो कुछ हमें दिया है उसको याद करें, तो उससे प्यारा हमें कोई भी नहीं लगेगा। आज सारा दिन उसके प्यार में मग्न रहने का सुंदर अनुभव करें, चाहे वो ज्योति स्वरूप है, वो भी सबसे ब्यूटीफुल है और बहुत प्यारा है। आपने कभी देखा हो कोई सुंदर हीरा जिससे रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं, वो भी कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर होता है। और जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञान सूर्य है, वो तो सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत हमें प्यारा लगता है। और जब वो साकार में होते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उनके नैनों से प्यार ही प्यार झलकता है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, बाबा सबको समान रूप से प्यार ही देते हैं, क्योंकि वे हमारे माता पिता हैं। तो हम उनके प्यार में मग्न रहकर संसार को भुला दें। लेकिन याद रखें, अगर हमारा प्यार इधर उधर लगा होगा तो परमात्मा प्यार में हम मग्न नहीं हो पाएंगे। चाहे वस्तुओं से प्यार हो, चाहे वैभवों से प्यार हो, चाहे मान सम्मान से प्यार हो या मनुष्यों से प्यार हो, हमारा प्यार यदि बटा है तो एक के प्यार में हम मग्न का होने का अनुभव कदापि नहीं कर पाएंगे। तो आज बाबा को कभी परम धाम में,
कभी सूक्ष्म लोक में इस नजर से देखना है कि तुम जैसा प्यारा और कोई नहीं है, और वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं, बस हम उन्हें देखते ही रहें। आज ही अनुभव करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।